तो आइए एक दो एग्जांपल्स और देखते हैं। जैसे मान लो, बहुत सिंपल एग्जांपल मैं आपके सामने लेता हूं, और कुछ ऐसा एग्जांपल है। हेटिंग है, बताओ कैसे करोगे क्वेश्चन। देखो, अगर मैं सबसे पहले इस मॉलिक्यूल के बारे में थोड़ा समझाऊं, तो इस मॉलिक्यूल से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहां बढ़ेगी? एच। आपको पता है ये वाले इलेक्ट्रॉन्स यहाँ शिफ्ट हो जाते हैं, तो जब आप यहाँ पर इस तरीके से कर लोगे तो आपके पास ओवरऑल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहीं पर बढ़ रही होगी। सी डबल बॉन्ड एच एच, यहाँ पर एच प्लस। आ रही बात समझ में? तो हम ये तो बात समझ चुके हैं, यहाँ पर क्या होगा नेगेटिव और यहाँ पर क्या होगा पॉजिटिव। तो अगर अब मैं इसको थोड़ा सही तरीके से बनाऊँ, तो सही तरीके से इसको तो मैं इसको एज इट इज ऐसे ही रहने दूँ, यहाँ पर CH3, लेकिन इस वाले पार्ट को मैं यहाँ पर इस तरीके से पलट दूँ। पलटने से क्या हो जाएगा भाई मेरे, यहाँ पर नेगेटिव यहाँ पर पॉजिटिव दोनों का इस तरीके से इंट्रैक्शन करवाना है, और इंट्रैक्शन करवा के आप इस तरीके से प्रोडक्ट फॉर्म कर देंगे, कर दीजिएगा। हो जाएगा ऐसा क्वेश्चन? मान लो एक क्वेश्चन और, कभी डाइईन को ही थोड़ा सा अलग तरीके से रिप्रेजेंट कर दे। यहाँ पर आपके पास OME है, यहाँ पर आपके पास CHO है, यहाँ पर हीटिंग है। बताओ इस वाली जगह पर यहाँ नेगेटिव होगा यहाँ पॉजिटिव होगा, तो इसको पलट दो इस बार डाइईन को। तो जब डाइईन को आप पलटोगे पलटोगे तो यहाँ पर आ जाएगा OME, यहाँ पर आ जाएगा CHO, और पलटने से यहाँ पर क्या रहेगा? पार्शियल नेगेटिव, यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव, ऐसे ऐसे और ऐसे, और फाइनली आपके पास कुछ ऐसा सा प्रोडक्ट आ जाएगा OME और CHO। ये तो था हमारे पास केस ए के एग्जांपल्स, लेकिन अब हम डिस्कस करते हैं केस बी के एग्जांपल। केस फोर ही है, और केस फोर में केस बी क्या था हमारे पास? ये ग्रुप यहाँ ना लगा होने कारण यहाँ लग जाए, मतलब ये ग्रुप यहाँ ना हो और यहाँ हो, तब क्या होगा? उस केस में हमारे पास कौन सा परफेक्ट ओरिएंटेशन आएगा, उसको समझते हैं, फिर उस पर भी कुछ क्वेश्चन देखेंगे। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं केस फोर्थ का पार्ट बी। चलिए शुरू करते हैं। ये हमारे पास यहाँ पर है केस फोर, और केस फोर में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं पार्ट बी। देखो, बी वाले पार्ट में क्या डिफरेंस होगा आपके पास? यहाँ पर इस तरीके से है, और यहाँ पर इस बार जो आपके पास OME ग्रुप यहाँ पर था वो इस बार यहाँ पर लगा दिया है, और सामने आपके पास फिर से यहाँ पर वैसा ही क्या होगा? CHO होगा, और यहाँ पर हीटिंग कंडीशन होगी। अब जब आप ये क्वेश्चन करोगे, तो क्वेश्चन करने के लिए मैं थोड़ा इसके बारे में बात कर लेता हूँ। तो इसके बारे में हम बात कैसे कर सकते हैं? ये हमारे पास यहाँ पर ऐसे है, यहाँ पर हमारे पास क्या है? OME है। तो ये जो ऑक्सीजन लोन पेयर है यहाँ जाएगा, और ये वाली बॉन्ड यहाँ जाएगी। तो आपके पास इस बार जो नेगेटिव चार्ज आएगा, वो इस बार नेगेटिव चार्ज ध्यान देने की ज़रूरत है आपके पास, ये तो OME पॉजिटिव हो जाएगा और यहाँ पर नेगेटिव आ जाएगा। इतना क्लियर हो रहा है? इस जगह पर इस बार आपके पास नेगेटिव आ रहा है, क्लियर है? तो इस वाले के लिए बात करते हैं। इस वाले के लिए आपके पास क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपके पास CHO है, इसमें तो वही कॉन्सेप्ट लगने वाला है। CHO को मैं कुछ इस तरीके से खोल के लिख सकता हूँ, बोलो। तो यहाँ पर जैसे ही खोल के लिखूंगा, ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा, ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा, और आपको यहाँ पर कुछ इस तरीके का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दिखाई देगा। यहाँ पर O माइनस, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ स्थाई, और यहाँ पर पॉजिटिव आ जाएगा। तो अगर मैं दोनों चीज़ों को यहाँ मेंशन करता हूँ, तो देखो यहाँ पर इस पोजीशन, इसको मैं 1 कहता हूँ, इसको 2, इसको 3, इसको 4। 1 पर इस बार नेगेटिव आ रहा है, इसको मैं 5 कहता हूँ, इसको मैं 6 कहता हूँ, और 6 पर पॉजिटिव आ रहा है। अब इसी चीज़ को मैं यहाँ पर थोड़ा सा डायग्राम में समझाऊंगा, तब आपको मैं ये बताऊंगा आखिरकार इसमें मेजर प्रोडक्ट कौन सा है। हम लोग बातें क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये भी अनसिमेट्रिकल है आपके पास, और ये वाला जो केस है ये भी आपके पास क्या है? अनसिमेट्रिकल है। और दोनों ही अगर हमारे पास अनसिमेट्रिकल हैं, तो दोनों ही के केस में हम रिजू सेलेक्टिविटी की बात कर सकते हैं। तो इस ही बात को हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा डायग्राम के फॉर्म में समझते हैं। देखो, अगर मैं आपको डायग्राम के फॉर्म में समझाता हूँ, तो आपके पास डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, यहाँ पर इस बार आपके पास OME ग्रुप है, और आपके पास इंट्रैक्शन इस बार यहाँ से है इस तरीके से, और यहाँ डबल बॉन्ड है। एक आवार आपने यहाँ पर CHO ले लिया, तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर आप दिखाओगे, और नेगेटिव चार्ज तो आपके पास यहाँ पर आएगा ही, ठीक है?
तो आप जब इसके कॉरस्पॉन्डिंग प्रोडक्ट बनाओगे तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग प्रोडक्ट आपके पास कुछ कैसा आ जाएगा, इसके कॉरस्पॉन्डिंग प्रोडक्ट आपके पास कुछ ऐसा आ जाएगा, यहाँ पर डबल बॉन्ड, यहाँ पर आ जाएगा आपके पास ओ एम ई और यहाँ पर आपके पास आ जाएगा सी एच ओ। अगर आप नंबरिंग करो तो क्या आ जाएगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो नंबरिंग करके इसके कॉरस्पॉन्डिंग बना लो ज़रा ध्यान से। यहाँ पर आ जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6। 2 पर क्या है आपके पास ओ एम ई है, 2 और 3 के बीच में डबल बॉन्ड है, और 6 पर क्या है आपके पास सी एच ओ है। ज़रा ध्यान से देखोगे तो ये आपके पास 1.3 प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है, ये वाला इसके रिस्पेक्ट में 1.3 बोल रहे हैं, या फिर आप इसी को मेटा प्रोडक्ट भी कह सकते हैं। बोलिए इतनी बात समझ में आ रही है। अब अगर मैं इस ही बात को थोड़ा सा ऐसे समझा दूं, देखना जरा ध्यान से, ये डबल बॉन्ड यहाँ पे ऐसे, यहाँ पर आपके पास ओ एम ई है, इस बार मैं यहाँ पर डबल बॉन्ड ले लूँ और यहाँ पर आपके पास सी डबल बॉन्ड ओ एच। अब देखो कहानी क्या होगी, यहाँ पर आपके पास पॉजिटिव आ जाएगा, यहाँ पर नेगेटिव आ जाएगा, तो पॉजिटिव नेगेटिव के साथ इंटरेक्ट करेगा और ये वाला यहाँ है। तो जरा ध्यान से देखो इन दोनों में परफेक्ट ओरिएंटेशन कौन सा होगा। मैंने आपको बताया था इस वाले केस में नेगेटिव पॉजिटिव यहीं पर आ रहा है, तो हम इसको बोलेंगे ये हमारे पास क्या है, परफेक्ट ओरिएंटेशन है। अगर ये हमारे पास परफेक्ट ओरिएंटेशन है तो इसी के कॉरस्पॉन्डिंग हमारे पास मेजर प्रोडक्ट रहेगा, ये हमारे पास फिर क्या हो जाएगा, ये हमारे पास इम्परफेक्ट ओरिएंटेशन हो जाएगा। बोलिए बात समझ में आ रही है एकदम अच्छे से, इसके कॉरस्पॉन्डिंग हमारे पास इम्परफेक्ट ओरिएंटेशन हो जाएगा। तो अगर मैं यहाँ पर आपसे पूछता हूँ ऐसे, इसका प्रोडक्ट क्या होगा, तो आप बोलोगे सर इसका प्रोडक्ट कुछ ऐसा होगा, अरे है ना, यहाँ पर आपके पास ओ एम ई आ जाएगा, अरे क्लियर है इतना, और यहाँ पर आपके पास सी एच ओ आ जाएगा। नंबरिंग कर लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6। अगर मैं इसी को यहाँ पर रिप्रेजेंट करता हूँ तो कैसे हो जाएगा, फिर से देखो, यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, 4, 5 और 6, ये डबल बॉन्ड है, यहाँ पर ओ एम ई है और यहाँ पर आपके पास 5 पर क्या है सी एच ओ है। ये जो प्रोडक्ट है ये आपके पास कैसा प्रोडक्ट है, ये पैरा प्रोडक्ट है, इसकी पैरा पोजीशन पर लगा है, और यही प्रोडक्ट आपके पास क्या होगा, मेजर होगा। उसका रीज़न मैंने आपको बता चुका है, क्योंकि ये कैसा ओरिएंटेशन है, ये परफेक्ट ओरिएंटेशन है। यही बात हमें सीखनी थी, जो हमने केस ए में सीखी है वही बात हम यहाँ पर केस बी में सीख रहे हैं, तो इस बार आपके पास ये प्रोडक्ट मेजर बनेगा। तो आइए कुछ क्वेश्चंस हम लोग यहाँ पर देखते हैं इसी पार्ट से रिलेटेड। तो आइए अब हम कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं इसी से बेस्ड। जैसे मान लो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास कुछ ऐसा, यहाँ पर हमारे पास ओ ए सी है, ये पहला क्वेश्चन है हमारे पास, ट्राई करते हैं। तो सबसे पहले आपको पहचानना है यहां पर नेगेटिव आएगा और यहां पर क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, यही तो सिखाया मैंने। तो आपको सबसे पहले इसको उल्टा करना पड़ेगा ताकि इंटरेक्शन हम बहुत अच्छा करवा सके। तो यहां पर आपके पास ओ ई सी ऐसा ही रहेगा और इसको आप सी डबल बॉन्ड ओ ई टी में ऐसे कर लोगे, तो इससे क्या होगा, यहाँ पर आपके पास नेगेटिव, यहाँ पर पॉजिटिव, तो एक बढ़िया सा परफेक्ट इंटरेक्शन हो जाएगा। अब कहानी क्या होगी, ये यहाँ, ये बॉन्ड यहाँ और ये बॉन्ड यहाँ, तो फाइनली आपके पास यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर कुछ ऐसा सा प्रोडक्ट बन जाएगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा, ओ ए सी मेजर बन जाएगा और ये पैरा प्रोडक्ट है एक तरीके से। अगर मैं ऐसे ही अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ तो अगला क्वेश्चन आपके पास कुछ ऐसा है, यहाँ पर ऐसा है, ओ टी एम एस है यहाँ पर, और यहाँ पर आप कुछ इस तरीके से बना रहे हो, क्लियर है। और सबसे पहले हीटिंग करके ए आ रहा है, फिर आपके सामने एच प्लस ऑब्लिक एच टू ओ लिख दिया गया है और इससे आपको बी बताना है। इस क्वेश्चन को कैसे करोगे, सबसे पहले देखो यहाँ पर आपके पास क्या आ रहा है, पार्शियल नेगेटिव, और यहाँ पर आपके पास क्या आ रहा है, पार्शियल पॉजिटिव। तो सबसे पहले आप इसको एक परफेक्ट ओरिएंटेशन में लेके आओ, तो परफेक्ट ओरिएंटेशन कुछ ऐसा होगा, सबसे पहले ओ टी एम एस प्लस इस वाले पार्ट को आप ऐसा कर लो, सी एच ओ वाला पार्ट यहाँ पर ऐसा हो जाएगा, अरे बोलो, तो यहाँ पर आपके पास नेगेटिव बन जाएगा और यहाँ पर पॉजिटिव बन जाएगा, ये वाली बॉन्ड यहाँ, ये बॉन्ड यहाँ और ये बॉन्ड यहाँ, तो आपके पास यहाँ पर एक प्रोडक्ट ऐसा बन जाएगा इस तरीके से, यहाँ ऐसे और यहाँ पर आ जाएगा सी एच ओ और यहाँ आ जाएगा ओ एस आई एम ई थ्री।
अब आपको अच्छे से पता है जब H+ आएगा तो ये जो ऑक्सीजन का लोन पेयर है इस H+ पर अटैक करेगा। जैसे ही H+ पर अटैक करेगा तो आपके पास यहाँ पर क्या बन जाएगी तस्वीर, अरे वही वाली मैकेनिज्म चला रहे हो, SiMe3 यहाँ पर OH पर पॉजिटिव और यहाँ पर क्या होगा CHO रहेगा। अब ये यहाँ से वाटर आएगा, वाटर अरे भैया वाटर आएगा, वाटर इस पर अटैक करेगा, ये वाली बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगी और आपको प्रोडक्ट कुछ ऐसा देखने को मिलेगा इस तरीके का, यहाँ पर ऐसे, यहाँ पर OH और यहाँ पर CHO, फिर फाइनली आपके पास टॉटोमराइजेशन होकर ये फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा। क्वेश्चन समझ में आ रहे एकदम अच्छे से? अरे ये वाली बात तो पुरानी बात है जो अभी हम तक सीखते आ रहे हैं पुराने केसेस में। मान लो अगर अगला क्वेश्चन आ जाए आपके पास कुछ ऐसा, यहाँ पर आपके पास ऐसा है, यहाँ पर CH3 है और यहाँ पर आपके पास सी डबल बॉन्ड OH है, यहाँ पर आप सबसे पहले क्या कर रहे हो, हीटिंग ले रहे हो, हीटिंग से A बन रहा है, उसके बाद अब आप यहाँ पर एक बार तो AlCl(H4) ले रहे हो तो इससे B बन जाएगा, एक बार आप H2PD4 को ले रहे हो तो इससे C बन जाएगा। तो आपको यहाँ पर ABC आइडेंटिफाई करना है, क्वेश्चंस में बहुत आसान है। सबसे पहले इनका ओरिएंटेशन मैच करो, कैसे ओरिएंटेशन मैच होगा, यहाँ पर नेगेटिव आ जाएगा हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से, यहाँ पर पॉजिटिव। तो सबसे पहले जब इसको हम सीधा बनाएंगे तो सीधा बनाने पर ये हमारे पास CH3 ऐसा ही रहेगा, इसको हम उल्टा कर देंगे तो ये आपके पास CHO वाला पार्ट आएगा। तो आप सबसे पहले यहाँ पर डील्स अल्टर रिएक्शन करवा दो रिज्यू सेलेक्टिविटी लगा के। जैसे ही आप डील्स अल्टर रिएक्शन लगा दोगे रिजियो सेलेक्टिविटी लगाकर तो आपके पास कहानी कुछ ऐसी हो जाएगी। अब आपको क्या बोला गया, ये तो आपके पास A आ गया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, अरे क्वेश्चन बहुत स्पीड में होंगे यार, कुछ भी नहीं है, यहाँ तक A आ गया। अब आपके पास यहाँ पर बोला है H2PD4 को आपको पता है डबल बॉन्ड को रिड्यूस करेगा, तो ये डबल बॉन्ड को रिड्यूस कर देगा और यहाँ पर CH3 और यहाँ पर CHO दिखाई देगा। फिर यहाँ पर क्या है AlCl(H4) आपको पता है CHO को रिड्यूस कर देगा, डबल बॉन्ड को छेड़छाड़ करेगा ही नहीं, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड CH3 रहेगा और यहाँ पर आपके पास OH आ जाएगा। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ और क्वेश्चंस ऐसे ही प्रैक्टिस करते हैं, तो कुछ और क्वेश्चंस अपन ट्राई कर लेते हैं। जैसे मान लो क्वेश्चन आपके पास इस बार कुछ ऐसा आ जाए, यहाँ पर इस तरीके से दिया हो और यहाँ पर आपको दे दे OTMS, ठीक है, और इसके बाद CHO आ जाए, हीटिंग कंडीशन है तो यहां से A आ जाए, इसके बाद एक बार तो NaBH4.CeCl3.7H2 NaBH4.CeCl3.7H2 एक बार ले लिया जाए, इससे आ जाएगा B, और एक बार आप ले लो NaBHOAC का होल थ्राइस, यहाँ से C, ऐसा कुछ हम रिएजेंट में मतलब कर देते हैं, और इसी के बाद यहाँ पर हाइड्रोलिसिस भी लेना है हीटिंग के बाद। तो ये कुछ रिएजेंट कंडीशंस है आपके पास। तो आइए क्वेश्चन देखते हैं, इस वाले केस में यहाँ पर नेगेटिव आ जाएगा, इस वाले केस में यहाँ पर पॉजिटिव आ जाएगा, बात समझ में आ रही है क्या? तो सबसे पहले नेगेटिव और पॉजिटिव को यहाँ पर अच्छे से इंटरेक्ट करवाना होगा, तो यहाँ पर तो आपके पास क्या रहेगा OTMS रहेगा ही रहेगा, यहाँ पर आपको इसको उल्टा करना पड़ेगा, यहाँ पर आपको इसको ऐसे CHO बनाना पड़ेगा, तो यहाँ पर नेगेटिव है और यहाँ पर पॉजिटिव है। अब बढ़िया सी रिजो सेलेक्टिविटी हो चुकी है, ये यहाँ पर, ये यहाँ पर और ये यहाँ पर, तो आपके पास यहाँ पर एक इस तरीके का ब्रिज हेड कंपाउंड नज़र आएगा ऐसा, और यहाँ पर क्या रहेगा आपके पास CHO और इस वाली जगह पर आपके पास क्या रहेगा OTMS और यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाएगा। इतनी बात समझ में आ रही है? अब यहाँ से कॉन्सेप्ट स्टार्ट होगा। देखो सबसे पहले आप यहाँ से कॉन्सेप्ट कैसे स्टार्ट करोगे, सबसे पहले तो आप क्या करो यहाँ पर H3O+ लेके आओ, तो यहाँ पर जब आप हाइड्रोलिसिस वगैरह सब करवा दोगे तो हाइड्रोलिसिस वगैरह सब करवा के यहाँ पर आ जाएगा आपके पास C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर आ जाएगा CHO। इतनी बात समझ में आ रही है? अब इस बार मैं यहाँ पर ले लेता हूँ NaBHOAC का होल थ्राइस, ठीक है, और यहाँ पर इस तरफ मैं ले लेता हूँ NaBH4CeCl3.7H2। ये जो होता है ये क्या करता है, कीटोन को रिड्यूस करता है,
कीटोन को किसमें? एल्कोहल में रिड्यूस कर देगा, सेलेक्टिव होते हैं ये। तो यहाँ पर OH नीचे की तरफ आ जाएगा और H ऊपर की तरफ आ जाएगा और ये CHO आपके पास एज इट इज ऐसा ही रहेगा। और ये जो होते हैं ये एल्डिहाइड को रिड्यूस करते हैं, ये किस में रिड्यूस करेंगे? एल्कोहल में रिड्यूस करेंगे। ये C डबल बॉन्ड ऐसा ही रहेगा और आपके पास यहाँ पर ही आ जाएगा। तो आपको इनका रोल पता होना चाहिए बहुत अच्छे से। ये जो आपने रिजेंट पढ़े हैं अगर इनका रोल पता होगा तभी जाके आप ऐसे क्वेश्चन कर पाएंगे, वरना आप क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। और ये वाला तो यार हमने बहुत सारी प्रैक्टिस कर चुकी है हाइड्रोलिसिस। अरे ये तो हमने क्या करवा दिया, हाइड्रोलिसिस का कॉन्सेप्ट सिखा दी, डी सिलेंडर रिएक्शन पर सम बेसिक रिएक्शंस में एक हाइड्रोलिसिस का कॉन्सेप्ट था, ये क्वेश्चन था एक। अब मान लो क्वेश्चन मैं थोड़ा अच्छे लेवल का लेके जाता हूँ। यहाँ पर आपके पास क्या है, ओ एम ई है, और यहाँ पर आपके पास क्या है, एन ओ टू है, और यहाँ पर एक तरीके से मैं सी एच थ्री भी ले लेता हूँ, प्लस है, और यहाँ पर आपके पास हीटिंग है। इस क्वेश्चन को करना है। अब सवाल ये आ रहा है कि सर अभी तक हमने सिर्फ एक सब्स्टिट्यूएंट लगा कर किया था, लेकिन यहाँ पर कितने सब्स्टिट्यूएंट आ रहे हैं, दो सब्स्टिट्यूएंट आ रहे हैं। तो जब भी ऐसा केस आएगा तो इस वाले केस में आपको क्या करना है, ध्यान सुनेगा, जो ज़्यादा डोमिनेट होगा यहाँ पर नेगेटिव, यहाँ पर पॉजिटिव, ये लगाता है प्लस एम और ये लगाता है प्लस एच, जो ज़्यादा डोमिनेट होगा हम उसकी बात मानेंगे। जब भी आपके पास दो डिफरेंट ग्रुप होंगे जो ज़्यादा डोमिनेट होगा हम उसकी बात मानेंगे। तो यहाँ पर नेगेटिव होगा, यहाँ पर पॉजिटिव होगा, और नेगेटिव पॉजिटिव करने के बाद ओरिएंटेशन ये रहेगी, परफेक्ट ओरिएंटेशन है, ये ऐसा और ये ऐसा। तो आपके पास फाइनल प्रोडक्ट जो बन जाएगा, फाइनल प्रोडक्ट आपके पास कुछ ऐसा बन जाएगा, यहाँ पर ओ एम ई, यहाँ पर सी एस थ्री और यहाँ पर एन ओ टू। जैसे मान लो एक और क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ, कुछ ऐसा आ जाए, यहाँ पर आपके पास ओ एम ई है, यहाँ पर आपके पास एन एम ई टू है, प्लस यहाँ पर आपके पास सी एच ओ है, और यहाँ पर मैं हीटिंग कंडीशन ले जाता हूँ। बताओ ये क्वेश्चन कैसे करेंगे। तो यहाँ पर भी तो डिफरेंट डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट है, तो अगर आप देखोगे तो ये वाला आपके पास क्या लगाता है, प्लस एम, और ये वाला भी आपके पास क्या लगाता है, प्लस एम, और हमें पता है एन एम ई टू का प्लस एम ओ एम ई के मुकाबले ज़्यादा डोमिनेट होगा। रीज़न क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है तो उसके ऊपर वो अपना लोन पेयर रखना चाहेगा एज कम्पेयर टू नाइट्रोजन के, ये तो अपना लोन पेयर देना चाहेगा आसानी से। तो हम बोलेंगे यहाँ पर नेगेटिव आएगा, क्योंकि जब ये देगा तो इस जगह नेगेटिव आएगा और यहाँ पर पॉजिटिव आ रहा है। तो सबसे पहले आपको ओरिएंटेशन चेंज करना होगा। जब ओरिएंटेशन, यहाँ पर ओ एम ई रहने दो, यहाँ पर एन एम ई टू रहने दो, इसका ओरिएंटेशन बदल दो, यहाँ पर आपके पास सी एच ओ आ जाएगा। तो इस जगह आपके पास नेगेटिव आ रहा था, इस जगह पॉजिटिव आ रहा था, तो बताओ क्या होने वाला है, ये बॉन्ड यहाँ और ये वाला बॉन्ड यहाँ। तो आपके पास फाइनली प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, कुछ ऐसा, यहाँ पर ओ एम ई, यहाँ पर एन एम ई टू और यहाँ पर आपके पास सी एच ओ। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन करना है। तो सबसे पहले आप तो रिएजेंट का मतलब समझ जाओ यार, मैं फिर बोल रहा हूँ रिएजेंट केमिस्ट्री जितने अच्छे से आप पढ़ सकते हो उतना बढ़िया आप लोग के लिए रहेगा, क्योंकि रिएजेंट सिर्फ रिएजेंट में नहीं पूछा जाता, पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिएजेंट्स को जोड़ दिया जाता है। अगर एग्जामिनर पेपर अपने ऊपर आ जाए ना बनाने के लिए, तो जीओसी में भी रिएजेंट लेके आ जाएगा, तब आपसे सवाल पूछेगा। आप सोच रहे हो कि जीओसी अपन ने पढ़ ली, सारे क्वेश्चंस कर लिए, हो जाएंगे, लेकिन अगर थोड़ा सा नया रिएजेंट आ जाएगा आप वहां पर अटक जाओगे, आपको ये नहीं पता होगा वो बेस है, और आपसे कोई भी एसिडिक करेक्टर का सवाल वैसे पूछ लेगा इनडायरेक्टली। तो इसलिए रिएजेंट्स का आइडिया बहुत अच्छा होना चाहिए, ठीक है। मैंने आपको सारा पढ़ा रखा है, कोई डाउट्स हो तो आप सर से पूछ सकते हो अच्छे से, या मुझसे पूछ सकते हो बाद में, कोई दिक्कत नहीं है। ये वाली सारी बात अपनी हो चुकी है कंप्लीट। कुछ और क्वेश्चंस को अपन देख लेते हैं। तो आइए अब हम कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं। जैसे मान लो एक क्वेश्चन और मैं आपके सामने यहाँ पर लिखता हूँ, कुछ ऐसा क्वेश्चन है, यहाँ पर आपके पास फिर से वही ओ टी एम एस है, यहाँ पर आपके पास सी एस थ्री है, सी एच ओ है, हीट करवा रहे हो, यहाँ से ए आ जाएगा, फिर आप हाइड्रोलिसिस करवा रहे हो, यहाँ से बी आ जाएगा, फिर आप लोग एन ए बी एच फोर सी ई सी एल थ्री डॉट सेवन एस टू लेके आ जाओगे, तो यहाँ पर सी आ जाएगा। आंसर बताना है। तो देखो सबसे पहले आप देखो यहाँ पर सी एस थ्री है, यहाँ पर ओ टी एम एस है, तो यहाँ पर आपका प्लस एम ज़्यादा डोमिनेट करेगा, तो यहीं पर ही नेगेटिव होगा और यहाँ पर पॉजिटिव होगा। तो सबसे पहले इनका करेक्ट ओरिएंटेशन आपको बनाना है। छप आप
करेक्ट ओरिएंटेशन बनाओगे तो ये तो OTMS ऐसे ही रहेगा, ये CH3 ऐसे ही रहेगा, यहाँ पर आप इसको जस्ट उल्टा कर दो, CHO कर दो, तो इस वाले केस में ये नेगेटिव आ जाएगा, ये पॉजिटिव आ जाएगा। अब आसानी से इंट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास यहाँ पर कुछ इस तरीके का प्रोडक्ट आ जाएगा। देखो जरा ध्यान से, डबल बॉन्ड यहाँ पर CH3, यहाँ पर आ जाएगा O TMS और यहाँ पर आ जाएगा CHO। इतनी बात समझ में आ रही है। अब यहाँ पर आपके पास क्या दिया है, हाइड्रोलिसिस दिया है, अरे है ना, और आपको अच्छे से पता है ये वाला पार्ट हाइड्रोलिसिस होकर क्या बन जाएगा। हाँ मैं यहाँ पर मैकेनिज्म नहीं दिखा रहा पूरी, अब तो आपको रट चुका होगा, डबल बॉन्ड O बन जाएगा, बाकी चीज़ें एज इट इज़ हमारे पास वही रहेंगी। अब यहाँ पर फिर क्या लिया है, NaBH4, फिर यहाँ पर CeCl3 के साथ लिया है, तो ये कीटोन वाले पार्ट को रिड्यूस करता है, तो कीटोन वाला पार्ट यहाँ पर एल्कोहल में रिड्यूस हो जाएगा, और फाइनली आपके पास यहाँ पर कुछ ऐसा सा आंसर बन जाएगा। क्लियर है, मैं OH और H लगाता हूँ तो H नहीं दिखा रहा, OH लगा रहा हूँ, ये क्वेश्चन हो गया। अब मान लो एक क्वेश्चन थोड़ा सा इंटरेस्टिंग सा आ जाए, जैसे यहाँ पर आपके पास ऐसा है, यहाँ पर आपके पास O TMS है, प्लस यहाँ पर ऐसा था, यहाँ पर NO2 था, और यहाँ पर आपके पास आ गया C डबल बॉन्ड O CH3। अब ये क्वेश्चन थोड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। हम लोगों ने अभी जस्ट पिछले वाले एग्जांपल में क्या किया था, डाइईन पे दो अलग अलग ग्रुप लगाए थे। इस वाले एग्जांपल में देखोगे ऊपर वाले में, तो यहाँ पर भी डाइईन में दो अलग अलग ग्रुप लगाए हैं और फिर चेक कर रहे हैं डोमिनेट पावर। ऐसे ही अब मैंने यहाँ पर डाइईन पे लगा दिया है तो आपको कोई दिक्कत नहीं, जो डोमिनेट करेगा वही करेगा। तो देखो जैसे ये नेगेटिव हो गया यहाँ पर, अब इस वाले में NO2 ग्रुप ज़्यादा डोमिनेट करेगा तो वहीं से पॉजिटिव आएगा, तो नेगेटिव पॉजिटिव एकदम सही ओरिएंटेशन में है, तो ये यहाँ जाएगा, ये यहाँ और ये यहाँ, तो डायरेक्ट आपके पास यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा, ये ऐसा था ही, यहाँ पर आ जाएगा OTMS, यहाँ पर आ जाएगा NO2 और यहाँ पर आपके पास C डबल बॉन्ड O CH3। तो जब ऐसे क्वेश्चन आ जाए घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं भाई मेरे, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट्स हैं, कुछ ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना होता। जैसे मान लो अगर एक क्वेश्चन आपके पास और आ जाए, क्वेश्चन कुछ ऐसा है यहाँ पर, और मैं यहाँ पर लगा देता हूँ OTMS, यहाँ पर लगा देता हूँ CH3, और यहाँ पर मैं लगा देता हूँ CHO, और यहाँ पर मैं लगा देता हूँ COET। इस तरीके से क्वेश्चन है, बताओ इस वाले क्वेश्चन को आप कैसे अटेम्प्ट करोगे जल्दी से। अरे इस बार दोनों में दो दो सब्सटेंट अलग अलग लगा चुके हैं, तो डोमिनेट पावर देखो ना, यहाँ पर ये डोमिनेट करेगा, यहाँ पर इस वाली जगह ये डोमिनेट करेगा, CHO का माइनस एम ज़्यादा होता है, तो आपको यहाँ पर जस्ट उल्टा करना पड़ेगा। तो इसको तो पहले एज इट इज़ आप ऐसे ही बना लो, तो ये हो जाएगा OTMS, यहाँ पर आ जाएगा CH3, और यहाँ पर जब आप उल्टा बनाओगे तो ये हो जाएगा COET, और यहाँ पर CHO। तो अब कैसे हो जाएगा, यहाँ पर नेगेटिव, यहाँ पर पॉजिटिव, परफेक्ट ओरिएंटेशन। अब आप यहाँ पर जब प्रोडक्ट बनाओगे तो ये वाली बॉन्ड यहाँ, ये यहाँ और ये यहाँ, तो फाइनल प्रोडक्ट आपके पास कुछ ऐसा सा, यहाँ पर COOET, यहाँ पर CHO दिया जाएगा, यहाँ पर डबल बॉन्ड, यहाँ पर आ जाएगा OTMS और यहाँ पर आ जाएगा आपके पास CH3। बहुत बहुत सिंपल क्वेश्चंस हैं, कुछ भी आपको दिमाग यहाँ पर लगाना ही नहीं है, दिमाग ही नहीं लगाना आपको कुछ भी यहाँ पर, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चन है, जैसे मान लो एक क्वेश्चन मैं और बताता हूँ, आपके पास यहाँ पर कुछ ऐसा है और यहाँ पर CH3 है, ठीक है, जैसे मान लो अगर मैं इसको उल्टा क्वेश्चन बना दूँ थोड़ा सा, यहाँ पर मैंने NO2 लगा दिया, तो यहाँ पर नेगेटिव यहाँ जाएगा और यहाँ पर पॉजिटिव यहाँ जाएगा। अगर आपको इसको नहीं करना है तो आप इसको जस्ट इसको उल्टा कर सकते हो, इन दोनों में से किसी एक को उल्टा कर सकते हो, तो यहाँ पर CH3 आ जाएगा, यहाँ पर इस वाले पार्ट को आप एज इट इज ऐसे ही रहने दो, तो यहाँ पर पॉजिटिव था, यहाँ पर नेगेटिव था, ऐसे ऐसे और ऐसे बन जाएगा, और फाइनली इसका प्रोडक्ट कैसे बन जाएगा, फाइनली
फाइव मेंबर रिंग, यहाँ पर NO2 रहेगा, यहाँ पर डबल बॉन्ड रहेगा और यहाँ पर आ जाएगा CH3। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं, और कुछ थोड़े बहुत क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो आइए कुछ और क्वेश्चंस को अपन देखते हैं। जैसे मान लो अगला क्वेश्चन हमारे पास कुछ ऐसा है, यहाँ पर हमारे पास है OTMS और यहाँ पर आपके पास कुछ इस तरीके से NO2 दिया है और यहाँ पर हीटिंग कर दी है। अब आपको यहाँ पर देखो ध्यान से समझना कॉन्सेप्ट, रेशियो सेलेक्टिविटी तो लगानी ही है, लेकिन उससे पहले आपको ये भी देखना है अच्छे से कि भैया कौन से डबल बॉन्ड पर अटैक होने वाला है। तो सबसे पहले आप देखो यहाँ पर नेगेटिव आएगा और इस वाले डबल बॉन्ड पर अटैक होगा तो यहाँ पर पॉजिटिव आएगा। अब यहाँ पर लिखने का तरीका देखो, हम यहाँ पर इसको एज इट इज ऐसे ही लिख देते हैं, NO2 है, इसको अपन थोड़ा सा ऐसे लेके रहेंगे, यहाँ पर OTMS से लिख देते हैं, ठीक है। अब इस वाले केस में यहाँ पर अपने पास क्या है, यहाँ पर ये वाला पॉजिटिव, ये वाला क्या है नेगेटिव, यही तो है। तो ये वाली बॉन्ड आप ऐसे कर सकते हो, ये वाली बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगी, ये वाली यहाँ होगी और ये वाली यहाँ होगी और ये वाली यहाँ होगी, ऐसे तो था, ये वाली बॉन्ड यहाँ शिफ्ट, ये वाली यहाँ और ये वाली यहाँ। तो आपके पास फाइनल प्रोडक्ट क्या जाएगा, इस वाले को आप एज इट इज ऐसे रहने दो, यहाँ पर आपके पास सिक्स मेंबर रिंग बन चुकी है, यहाँ पर आपके पास OTMS बन चुका है और यहाँ पर आपके पास NO2 आ चुका है, यही तो प्रोडक्ट होगा। बस यहाँ पर थोड़ा सा अरेंज करना होता है इन सबको। जैसे मान लो अगला क्वेश्चन अपन ले लेते हैं, तो यहाँ पर क्या है NHCOOBN प्लस यहाँ पर आपके पास CHO है, हीटिंग कर रहे हो, A आ रहा है। अगर अपन इसके सामने H2PD4 को ले रहे हैं तो यहाँ पर B आ रहा है, प्रोडक्ट बताना है। तो देखो इस वाले क्वेश्चन में यहाँ पर क्या है नेगेटिव, यहाँ पर क्या है पॉजिटिव। तो सबसे पहले इनको सही तरीके से बना लो, रेशियो सेलेक्टिविटी भैया मेरे, यहाँ पर NHCOOBN यहाँ पर ऐसे था और इस वाले केस को आप ऐसे उलट दोगे तो बस यहाँ पर नेगेटिव है, यहाँ पर पॉजिटिव है। तो आपके पास यहाँ पर आंसर कैसा आ जाएगा, ये वाली डबल बॉन्ड यहाँ, ये यहाँ और ये यहाँ। तो फाइनली आपके पास यहाँ पर कुछ ऐसा आ जाएगा, डबल बॉन्ड यहाँ पर CHO और यहाँ था आपके पास NHC डबल बॉन्ड O और यहाँ पर BN, ये प्रोडक्ट आपका बन जाएगा। इतनी बात समझ में आ रही है। अब यहाँ पर इसका खेला देखो, ये खेला बहुत इम्पोर्टेंट खेला है। देखो जब आप यहाँ पर H2PD4 को लोगे तो ये यहाँ पर इस डबल बॉन्ड को तो रिड्यूस करेगा ही करेगा, साथ में इस OBN बॉन्ड को तोड़ेगा। याद करो रिएजेंट केमिस्ट्री, मैंने बताया था, अरे BN का मतलब बेंजाइल ग्रुप होता है ना भाई मेरे, बताया था। जब ऐसा करेगा तो यहाँ पर ये रिड्यूस हो गया, यहाँ पर ये CHO आ गया और ये क्या आ गया NHC डबल बॉन्ड O और यहाँ पर OH आ जाएगा। और फाइनली हमें पता है यहाँ से CO2 हट जाता है, मतलब यहाँ पर डिकम्पोज हो जाता है और जब ये डिकम्पोज हो जाएगा तो इस जगह फाइनली आपके पास इस तरीके से बन जाएगा, ये NH2 हो जाएगा और यहाँ पर CH हो जाएगा। देखो कितना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, फिर से यहाँ पर आपको रिएजेंट केमिस्ट्री जोड़ चुकी है, फिर से आपको रिएजेंट बता दिया गया। तो देखो अगर ये नहीं पता होगा तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तभी तो कह रहे थे क्लेटन के सवाल आपको टिपिकल लगते हैं, क्योंकि आप चीज़ों को सिस्टमेटिकली कभी पढ़ते ही नहीं हो। आप एक बार पढ़ो तो उसको बहुत अच्छे से सीख जाओ। जैसे मान लो अगला क्वेश्चन अपने पास यहाँ पर OME है, यहाँ पर अपने पास OTMS है और यहाँ पर अपन कुछ भी ले लेते हैं, मान लो यहाँ पर अपन ले लेते हैं CHO, पहले हीटिंग करवाते हैं तो A आ जाएगा, फिर यहाँ पर हाइड्रोलिसिस करवाते हैं तो B आ जाएगा, फिर यहाँ पर NaBH4 CCl3 के साथ लाते हैं तो C आ जाएगा। आपको यहाँ पर आंसर बताना है क्या होगा, ये लास्ट क्वेश्चन है, बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए, इतना ही काफ़ी है आपके पास रेशियो सेलेक्टिविटी में। बताइए किस तरीके से करने वाले हो इस वाले केस में। सर बड़ा आसान है, यहाँ पर आपके पास नेगेटिव, यहाँ पर पॉजिटिव, बिल्कुल ये ऐसे और ये ऐसे।
तो आपके पास सबसे पहले यहाँ पर फॉर्मेशन कुछ ऐसा हो जाएगा, यहाँ पर आपके पास आ जाएगा OTMS, यहाँ पर आ जाएगा आपके पास OME और यहाँ पर आ जाएगा आपके पास CHO। अब अगले स्टेप में आपके पास क्या है, हाइड्रोलिसिस है। तो आपको पता है हाइड्रोलिसिस से ये वाला वाटर चिपका लेगा अपने साथ, ये वाली बॉन्ड यहाँ, ये वाली बॉन्ड यहाँ, ये वाली बॉन्ड यहाँ, तो टूट के फाइनली आपके पास क्या बन जाएगा, टूट के फाइनली आपके पास कुछ ऐसा आ जाएगा, ये ऐसे डबल बॉन्ड, यहाँ पर O, यहाँ पर CHO, ये आ जाएगा, सिंपल सी बात है। और लास्ट में आपके पास क्या है, NaBH4CCl3 के साथ है, तो ये वाले इसको डबल बॉन्डों को हटा देगा, OH आ जाएगा और यहाँ पर ये वाला पार्ट ऐसे ही रहेगा। दिस इज द कहानी इस द। बताइए क्या आपको रीजो सेलेक्टिविटी ऑफ डील्स एल्डर रिएक्शन समझ में आ चुकी है एकदम अच्छे से? तो मैंने एकदम बेसिक से स्टार्ट किया रीजो सेलेक्टिविटी को और एकदम हायर क्वेश्चन के साथ रिलेट कर दिया, बस रिएजेंट का तड़का लगा दिया बीच बीच में ताकि आप घबरा जाओ। अरे ऐसा कुछ नहीं है यार, आपके लेवल को बढ़ाना है मुझे धीमे धीमे। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे अपना स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट। ऑलमोस्ट डील्स एल्डर रिएक्शन कंप्लीट है, स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट एक बड़ा टॉपिक है उसको पढ़ लेंगे, फिर इंट्रामोलिकुलर वगैरह रेट्रो है वो तो बहुत 5-10 मिनट का टॉपिक है हमारा, साइक्लो एडिशन खत्म होते ही आ जाएगा सिग्मा ट्रॉपिक। तो अब आप देख रहे हो अपनी स्पीड पेरीसाइक्लिक केमिस्ट्री की, लेकिन इस स्पीड में आपको भी अपनी स्पीड मेंटेन करनी है, प्रॉपर लेक्चर्स देखने हैं, नोट्स बनाने हैं और असाइनमेंट सॉल्व करने हैं, जहां पर डाउट आए सर से आपको पूछना भी है, तो साथ साथ करो इसको अच्छे तरीके से, ठीक है। इसी के साथ आप सभी लोगों को धन्यवाद।